Hello, children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 6 that is data handling. Okay, so let's see the first question. Some pictographs are given, we have to read it carefully and then we have to answer the following questions. Okay, so first we see the question. डायरेक्शन इज़ वन टू थ्री इट मीन्स क्वेश्चन वन से लेकर थ्री तक इसी पिक्टोग्राफ पे बेस्ड होंगे द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कूकीज़ ईटन बाई कृतिका इन फाइव डेज स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक ये एक पिक्टोग्राफ दिया है जिसमें हमें बताया है कि कृतिका डेली कितने कुकीज़ खाती हैं ओके okay? और यहाँ एक हमें की दी है इच ईच पिक्चर रिप्रजेंट्स फाइव कुकीज़ ये जो भी पिक्चर बनी हुई है ये एक पिक्चर फाइव कुकीज को शो कर रही है ओके ना आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है ऑन विच टू डेज कृतिका एट इक्वल नंबर ऑफ कुकीज कौन से दो दिन कृतिका सेम नंबर की कुकीज़ खाती है सो so, पिक्टोग्राफ देखने से हमें पता चल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट मीन्स मंडे और फ्राइडे को वो बराबर कुकीज़ खाती है सो so, देखते हैं ऑप्शन मंडे वेडनसडे वेडनसडे फ्राइडे ट्यूसडे, थर्सडे मंडे एंड फ्राइडे सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर ना हाउ मैनी कुकीज़ कृतिका एट ऑन वेडनसडे वेडनेसडे को कृतिका कितनी कुकीज़ खाती है वन टू थ्री फोर फाइव एंड फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर हाउ मेनी लेस कुकीज कृतिका एट ऑन ट्यूजडे देन ऑन फ्राइडे कृतिका ट्यूजडे को फ्राइडे से कितनी कम कुकीज़ खाती है फ्राइडे को वो कितनी कुकीज़ खा रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थर्टी कुकीज़ एंड ट्यूजडे को वो खा रही है वन टू थ्री फिफ्टीन कुकीज़ तो थर्टी माइनस थर्टी माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन सो आंसर इज ऑप्शन सी ना नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन फोर टू सिक्स इट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर फोर से लेकर सिक्स तक है उस टेबल पर बेस्ड होंगे सो लेट्स फर्स्ट ये हमें दिया है क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाई फोर फैक्ट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ फोर मंथ्स ये फोर मंथ्स में फोर फैक्ट्रीज़ ने कितने बल्ब्स सोल्ड किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब डिड फैक्ट्री यू सेल इन दिस फोर मंथ्स ये फैक्ट्रीज़ हैं फैक्ट्री यू फैक्ट्री वी फैक्ट्री डब्ल्यू फैक्ट्री एक्स क्वेश्चन हमसे पूछा है फैक्ट्री यू ने फोर मंथ्स में मिलाकर टोटल कितने बल्ब सोल्ड किए तो इसके लिए क्या करेंगे जो ये नंबर हैं चारों इनको ऐड कर लेंगे ओके okay? इनको ऐड करने के बाद आंसर आएगा सेवन एट थ्री वन ठीक सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर बल्ब डिड फैक्ट्री वी सेल देन फैक्ट्री डब्ल्यू इन मे एंड जून टुगेदर कि मे और जून मंथ में फैक्ट्री वी ने फैक्ट्री डब्ल्यू से कितने ज़्यादा बल्ब सोल्ड किए हैं तो क्या करेंगे हम इसके लिए फैक्ट्री वी के मे और जून इट मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे फिर फैक्ट्री डब्ल्यू के इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगा वन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी ओके क्वेश्चन सिक्स फाइंड द नंबर ऑफ बल्बस फैक्ट्री एक्स एंड फैक्ट्री डब्ल्यू सोल्ड इन दिस फोर मंथ्स ऑल टुगेदर इट मीन्स कि फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री डब्लू ने कुल मिलाकर फोर मंथ्स में कितने बल्ब सोल्ड किए इसके लिए क्या करेंगे जो फैक्ट्री एक्स है उसके फोर डेज के फोर मंथ्स के जो बल्ब सोल्ड का नंबर है उसको यानी इन चारों को ऐड करेंगे फैक्ट्री डब्लू फैक्ट्री डब्लू के जो फोर मंथ्स की सोल्ड की है बल्ब की उसको ऐड करेंगे फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करके आएगा फाइव थ्री वन एट और इसको ऐड करने के बाद आएगा फोर फोर ज़ीरो सिक्स और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नाइन सेवन टू फोर सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये बायोग्राफ है सेवन टू नाइन क्वेश्चन के लिए हमें इसको ध्यान से रीड करना है किस लिए बारोग्राफ है देखते हैं द बायोग्राफ़ शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ फाइव चिल्ड्रन इन अ वीक ये बायोग्राफ शो कर रहा है कि एक वीक में इन पाँच बच्चों ने कितना मनी खर्च किया है ये नेहा अनु गौरव हरीश एंड वर्तिका सो लेट्स सी द क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं आप हुपेंड्स द मैक्सिमम अमाउंट किसने सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च किया है तो जिसका बायोग्राफ सबसे ऊँचा होगा इट मीन्स वर्तिका का बायोग्राफ सबसे ऊंचा है तो उसने सबसे ज़्यादा मनी खर्च की है तो इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मनी ऑल द फाइव चिल्ड्रन स्पेंड इन द वीक पाँचों बच्चों ने मिलकर पूरे वीक में कितना मनी खर्च किया है तो हम जो पाँचों ने एक्सपेंड किया है एक्सपेंडिचर्स उसको ऐड कर देंगे नेहा ने थर्टी रुपीज़ खर्च किए हैं अनु ने फिफ्टी रुपीज़ खर्च किए हैं गौरव ने ट्वेंटी एंड हरीश ने भी ट्वेंटी एंड वर्तिका ने सिक्सटी ठीक है तो थर्टी प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एंड प्लस सिक्सटी इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा वन हंड्रेड एटी सो हमारा ऑप्शन देखते हैं ए बी बी में रुपीज़ वन हंड्रेड एटी सो ऑप्शन बी इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नाइन हाउ मच लेस मनी डिड हरीश स्पेंड देन रिमेनिंग फोर चिल्ड्रेन ऑल टुगेदर। कि हरीश ने बाकी चार बच्चों से कितना कम मनी स्पेंड किया है इसके लिए हम इसको नोटबुक में करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फोर चिल्ड्रन एक्सेप्ट हरीश इज इक्वल टू वन एटी माइनस ट्वेंटी वन एटी क्यों अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पांचों बच्चे ने मिलकर कितना खर्च किया है ठीक और ट्वेंटी जो हरीश ने खर्च किया है तो उसको माइनस कर देंगे इज इक्वल टू वन सिक्सटी Now, amount of money harsh Harish spend less is equal to 160 minus twenty and 140. So 140 is the answer. Let's see very first option, rupees 140 is the answer. नाउ नेक्स्ट डायरेक्शन हमें दी है टेन टू ट्वेल्व इट मीन्स क्वेश्चन नंबर टेन से ट्वेल्व तक हमें इस बायोग्राफ पे ध्यान देना है उनको सॉल्व करने के लिए द गिवन बायोग्राफ शोज द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स पीपल लाइक ये बायोग्राफ शो कर रहा है अलग अलग गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि लोग पसंद करते हैं स्टडी द्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं देख लेते हैं बास्केटबॉल साइकिलिंग स्विमिंग जॉगिंग एंड बैडमिंटन अब इनके हम नंबर भी लिख लेते हैं कि कौन कितने आ, कौन सा गेम कितने लोग पसंद करते हैं तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है बास्केटबॉल अगर हम यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो सेवेंटीन लोग बास्केटबॉल पसंद करते हैं ट्वेल्व लोग साइकिलिंग पसंद करते हैं देन ट्वेंटी लोग स्विमिंग पसंद करते हैं एंड फाइव जॉगिंग एड बैडमिंटन ट्वेंटी टू ओके ना अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डैश मोर पीपल लाइक स्विमिंग देन बास्केटबॉल कितने ज़्यादा लोग स्विमिंग से बास्केटबॉल को बास्केटबॉल से कितने लोग ज़्यादा स्विमिंग को पसंद करते हैं तो बास्केटबॉल के लिए हमारे पास क्या नंबर है सेवेंटीन कितने लोग पसंद करते हैं बास्केटबॉल सेवेंटीन और स्विमिंग पसंद करते हैं ट्वेंटी लोग सेवेंटीन ट्वेंटी माइनस सेवेंटीन इज इक्वल टू थ्री सो थ्री मोर पीपल लाइक स्विमिंग दैन बास्केटबॉल सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर सेवन लेस पीपल प्रेफर जॉगिंग दैन सात ऐसे लोग हैं जो जॉगिंग जो को प्रेफर करते हैं कौन से गेम के कंपैरिजन में स्विमिंग बैडमिंटन साइकिलिंग या बास्केटबॉल तो इसके लिए हम क्या देखेंगे पहले सेवन लेस पीपल प्रेफर जॉगिंग ओके जॉगिंग कितने लोग पसंद करते हैं फाइव ओके तो ये किससे सेवन uh, कम है फाइव में सेवन को प्लस करेंगे इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व कौन सा गेम है देखते हैं पसंद करने वाले साइकिलिंग इट मीन्स सेवन लेस पीपल प्रेफर जॉगिंग देन साइकिलिंग सो ऑप्शन सी इज द आंसर नाउ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक स्विमिंग एंड डैश इज़ फोर्टी टू कौन से दो गेम मिलाकर जो है नंबर फोर्टी टू आएगा स्विमिंग कितने हैं ट्वेंटी इट मीन्स फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू देखते हैं ट्वेंटी टू कौन से गेम का नंबर हमने निकाला था यस बैडमिंटन सो दंब टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक स्विमिंग एंड बैडमिंटन इज फोर्टी टू सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू फिफ्टीन द गिवन बायोग्राफ Choose the choice of ice creams of students of class फोर Study the graph and answer the following question. ये आइसक्रीम फ्लेवर्स हमें शो किए हैं जो क्लास फोर के बच्चे पसंद करते हैं ओके okay? पहले इनका नंबर देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं वनीला फ्लेवर के लिए फिफ्टीन then बटर स्कॉच के लिए ट्वेंटी फाइव स्ट्रॉबेरी के लिए टेन एंड चॉकलेट के लिए थर्टी एंड मैंगो के लिए अगेन फिफ्टीन ठीक ये हमने लिख लिया अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज चॉकलेट फ्लेवर कितने बच्चों ने चॉकलेट फ्लेवर चूज़ किया है थर्टी स्टूडेंट्स ने सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर विच आइसक्रीम फ्लेवर इज़ लाइक बाई ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स कौन सा फ्लेवर ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ने पसंद किया है दिस इज बटर स्कॉच सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक वनीला एंड मैंगो आइसक्रीम टूगैदर कितने स्टूडेंट्स वनीला और मैंगो आइसक्रीम्स पसंद करते हैं वनीला एंड मैंगो फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी सो ऑप्शन बी इज द आंसर ना नेक्स्ट बाग्राफ है हमारे लिए सिक्सटीन टू नाइनटीन क्वेश्चन के लिए सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन फोर क्वेश्चंस जो हैं इसी बायोग्राफ पे बेस्ड होंगे ये बायोग्राफ हमें क्या शो कर रहा है रवि सेविंग्स फ्रॉम जनवरी टू मे रवि ने जनवरी से लेके मई मे तक कितनी हर मंथ सेविंग की है ये बायोग्राफ हमें शो कर रहा है ओके तो हम देखते हैं पहले मे में कितना सेविंग उसने किया है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन अप्रैल में फोर थाउजेंड देन मार्च में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फेबर हमें नहीं बताया है एंड जनवरी टू थाउजेंड ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन हाउ मच मोर डिड रवि सेव्ड इन अप्रैल देन इन मार्च रवि ने अप्रैल में मार्च से कितना ज़्यादा सेव किया है तो पहले हम देखते हैं अप्रैल में कितना सेव किया है फोर थाउजेंड ओके फोर थाउजेंड एंड मार्च में कितना सेव किया है फिफ्टीन हंड्रेड सो फोर थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो ऑप्शन ए इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ़ रवि सेव्ड अ टोटल ऑफ रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड फ्रॉम जनवरी टू मे देन हाउ मच डिड ही सेव इन फेबररी अगर रवि ने जनवरी से लेकर मई तक फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ सेव किए हैं तो फेबरी में उसने कितना सेव किया है देखिए यहाँ पर हमें आ, केवल फोर मंथ्स के दिए हैं जनवरी का बताया है मार्च का अप्रैल का मे का अलग अलग बताया है कि उसने कितनी सेविंग की है और अब हमें उन्होंने एक और हिंट दिया है क्वेश्चन में कि उसने फाइव मंथ्स में मिलाकर फिफ्टीन थाउजेंड रुपी सेव किए हैं तो जनवरी में उसने कितना सेव किया है इसके लिए हम क्या करेंगे जो जनवरी मार्च अप्रैल और मई की सेविंग है उसको ऐड कर देंगे ऐड करके उसको फिफ्टीन थाउजेंड में से माइनस करेंगे सो so, इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड को फाइव फिफ्टीन थाउजेंड में से माइनस करेंगे तो आएगा थ्री थाउजेंड सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन इन विच मंथ डिड रवि सेव थ्राइस द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन मार्च कि रवि ने जितना मार्च में सेव किया है उससे थ्राइस मतलब तीन गुना ज़्यादा कौन से मंथ में सेव किया है तो मार्च में उसने कितना सेव किया है फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड इन थ्री इज इक्वल टू फोर्टी फाइव हंड्रेड अब हमें देखना है फोर्टी फाइव हंड्रेड उसने किस मंथ में सेव किया है सो टू थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड फोर थाउजेंड फोर्टी फाइव हंड्रेड सो इन द मंथ ऑफ मे सो ऑप्शन इज़ द आंसर नाउ इफ़ रवि स्पेंड्स वन फिफ्थ ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन अप्रिल दैन हाउ मच ही अर्न इन दैट मंथ अगर रवि वन फिफ्थ ऑफ अमाउंट अपनी सेविंग खर्च करता है तो उस महीने उसने कितना मनी अर्न किया है ठीक ये हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए हम इसको नोटबुक में करेंगे Amount saved in April is equal to Rupees four thousand. Okay, now amount spent is equal to one by five of four thousand is equal to Rupees eight hundred. Okay. Therefore, Ravi earned rupees four thousand plus eight hundred is equal to rupees forty eight hundred. So let's see the options. Rupees forty eight hundred thirty two eight hundred. Yes, option C forty eight hundred is the करेक्ट आंसर नाउ दिस बाग्राफ इज़ गिवन फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू द गिवन बायोग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड बाय प्रांश कंप्यूटर मार्ट ओवर फाइव मंथ्स स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये जो बायोग्राफ हमें दिया है इसमें हमें शो किया है प्रयांश कम्प्यूटर मार्ट ने फाइव मंथ्स में कितने प्रिंटर सोल्ड किए हैं उसकी इंफॉमेशन हमें यहाँ पर दी है तो हम देख लेते हैं कितने प्रिंटर्स सोल्ड किए हैं जनवरी में एटीन फरवरी में ट्वेंटी फोर मार्च में सिक्सटीन अप्रैल में ट्वेंटी एंड मई में ट्वेल्व ओके नाउ इसके बेसिस पे अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं इन विच मंथ वॉज देयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ printers सोल्ड सो so, अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फेबररी में सबसे ज़्यादा प्रिंटर्स सोल्ड हुए थे सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर If each printer cost rupees two hundred fifty, then how much less amount did प्रयाश Computer Mart collect in May than in April? कि अगर हर प्रिंटर की कॉस्ट two hundred fifty rupees है तो प्रियांश कंप्यूटर ने मई में अप्रैल से कितना कम अमाउंट कलेक्ट किया इसके लिए हमें अप्रैल और मई दोनों का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा कि उन कितना मनी कलेक्ट हुआ है ओके तो अप्रैल मई में, में जो कितने है कितने कंप्यूटर सोल्ड किए हैं ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू टू फिफ्टी इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड रुपीज़ एंड अप्रैल में है ट्वेंटी सो ट्वेंटी इन टू टू फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड रुपीज एंड फाइव थाउजेंड माइनिस थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड सो ऑप्शन ए इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट वॉज द टोटल सेल ऑफ प्रिंटर्स फॉर प्रियांश कंप्यूटर मार्ट ड्यूरिंग द फाइव मंथ्स पूरे फाइव मंथ्स में मिलाकर प्रयांश कंप्यूटर ने कितने प्रिंटर्स सेल किए हैं तो इसके लिए क्या करेंगे जो सारे बार ग्राफ्स के ऊपर हमने ये नंबर लिखे हैं इनको हम ऐड कर देंगे इनको ऐड करने से हमारे पास आएगा नाइन्टी ओके सो देखते हैं नाइन्टी ऑप्शन है हमारे आंसर्स में यस फर्स्ट ऑप्शन नाइन्टी इज द करेक्ट आंसर सो टुडे ओनली वी आर डूइंग अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू Uh, from question number 23, we will continue in our next video. Till then, bye bye.